ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के लिए ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन विद इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चूँकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आप इसको अपने सुविधा अनुसार पार्ट वाइज कई पार्ट में देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन को साथ में लेके बैठें, ताकि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को खुद से अपने नोटबुक पे करने का प्रयास करेंगे, तो आपके सारे टॉपिक सही से क्लियर होंगे और आप अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, तो उसी का इंट्रोडक्शन सेशन है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्म्स को। टर्म्स क्या होती हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर पार्ट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये 2x, ये एक टर्म है, इसमें एक होता है नंबर पार्ट। नंबर पार्ट जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, इसमें कोई भी नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक यूज किया जाता है। 2 इसमें नंबर पार्ट है जिसे कोफिशियंट भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है वेरिएबल पार्ट, जैसे कि यहाँ पर है x। वेरिएबल पार्ट में कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट ए से लेके जेड तक यूज किया जा सकता है, इसे कहा जाएगा वेरिएबल पार्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, कोई भी नंबर, तो वो होगा नंबर पार्ट यानी कोफिशियंट। और वेरिएबल पार्ट की कोई पावर भी दी जा सकती है। पावर का मतलब होगा कोई भी होल नंबर। पावर इसकी जो होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, कोई भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक इसकी पावर हो सकती है वेरिएबल की, तो ये भी वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये ऐसी ऐसी टर्म्स की चेन होती है, ठीक है, जो प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x, 5x एक टर्म है जो माइनस के साइन के साथ 3y यानी कि दूसरी टर्म 3y से जुड़ी है, और उसके बाद प्लस का साइन लगा है, और उसके बाद दिया गया है 2, और ये भी 2 जो है हमारी, ये भी टर्म है। अब आप कहोगे कि इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये टर्म किस तरह से हुई, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में x, ठीक है, 2x है, और यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है इसकी पावर है 0। अगर वेरिएबल पार्ट की पावर 0 हो गई, किसी की भी पावर 0 होगी, तो उसका मतलब क्या होता है? 1, यानी कि x की पावर 0, इसका मतलब क्या है? 1। तो अगर x की पावर 0 की जगह मैं 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 2। तो कोई भी सिंगल डिजिट होगा वो भी एक टर्म हो सकता है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? चेन ऑफ टर्म, बहुत सारी टर्म प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती हैं, तो उसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है किस तरह से। अगर कोई पॉलिनोमियल जिसके सिंगल टर्म है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 2x, ये एक सिंगल टर्म है, तो इसे कहा जाएगा मोनोमियल। मोनो यानी कि, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। अगर किसी में दो टर्म है, जैसे कि 5x प्लस में 3, अगर दो टर्म है तो उसे कहा जाएगा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है bi, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, जो इसमें दो टर्म होती हैं। ऐसे ही किसी में तीन टर्म है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5x एक टर्म है, 3x और 4, तीन अलग अलग टर्म्स हैं जो प्लस या प्लस के साइन के साथ जुड़ी हुई है, माइनस भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अगर तीन से ज्यादा टर्म आती हैं तो उसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बाकी इनको भी पॉलिनोमियल्स ही कहा जाता है, लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसे कहा जाएगा डिग्री। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 5x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल है यहाँ पर एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है? इसमें, यहाँ पर है एक्स की पावर 2, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2।
इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया गया हमें 8x स्क्वायर माइनस 14x की पावर 6 प्लस में 4x की पावर 3 प्लस में 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 6, तो ये उसका हो जाएगी इसकी डिग्री। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया गया है, अरेंजमेंट इसकी ढंग से नहीं की गई है। तो पॉलिनोमियल की अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, तो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू क्या है माइनस 14x की पावर 6, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले माइनस 14x की पावर 6। उसके बाद लोअर पावर वाली वैल्यू, उसके बाद पावर का 6 से कम पावर किसकी है इसकी, तो प्लस में 4x की पावर 3, 3 से पावर कम किसकी है 2 इसकी, 8x स्क्वायर, तो प्लस में 8x स्क्वायर और उसके बाद बचा जो 3, ठीक है, तो प्लस में 3। इसे इस तरह से अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री पावर के, ठीक है, तो पावर सबसे ज्यादा, उससे कम सबसे कम, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया जाएगा। और जो भी इसके आगे साइन है वैल्यू, जो भी टर्म है उसके आगे साइन लगा है वो उसके साथ ही रहेगा। यहाँ पर जैसे माइनस का साइन है 14 के साथ, इसके साथ आएगा, जैसे यहाँ पर प्लस 4x की क्यूब का साइन है इसके साथ, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो इसके सामने क्या होगा प्लस। इस तरह से इसकी अरेंजमेंट की जाती है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है जहां पर डिग्री होती है 1, यानी कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे यहां पर है वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी, तो हमें समझ लेना है 1, तो अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी में डिग्री 2 है, जैसे यहां पर है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या है 2, अगर 2 डिग्री है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए व्होल नंबर, पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक व्होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर व्होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। पावर अगर हमें 1.2 इस तरह से पॉइंट में दे रखी है, 2/3 फ्रैक्शन में दे रखी है, या और कोई पावर दे रखी है जो व्होल नंबर नहीं है, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें पॉलिनोमियल्स जो है वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं पी एक्स के लिए, मतलब कि वहां पर वेरिएबल जो है वो एक्स है, ठीक है। हमें पता लगाना है जीरोज, सभी केसेस में कितने जीरोज होंगे हमारे पॉलिनोमियल्स के। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पॉलिनोमियल जो रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ पर वो लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, फर्स्ट में ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, ये आपस में कहीं भी टच नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे नो जीरोज, इसका आंसर हो जाएगा कोई भी जीरो इसमें नहीं है। सेकेंड है, सेकेंड में ये हमारी पॉलिनोमियल वाली लाइन है और ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है, एक ही पॉइंट पे काट रही है तो 1 0, ठीक है। अगर तीन पॉइंट पे काटती है तो 3 0s, अगर दो पॉइंट पे कट कर रही है तो 2 0s, अगर चार पॉइंट पे कट कर रही है तो 4 0s, अगर तीन पॉइंट पे कट कर रही है तो 3 0s। यहाँ पर ये टच कर रही है, इसका मतलब भी क्या होगा, ये 1 0 होगा इसका, ठीक है, 1 0 ये, 1 0 ये और 1 0 ये, तो 3 0s। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करे या टच करे उसको हम काउंट करेंगे 1 0, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2
जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स, इसका कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑफ जीरोज विद कोफिशिएंट। जो पॉलीनोमियल्स के जीरोज होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो लीनियर पॉलीनोमियल जिसकी जनरल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी कोफिशिएंट है और एक्स यहां पर वेरिएबल है। बी को हम कॉन्स्टेंट टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जो लीनियर पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का जीरो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो इसका जीरो इक्वल होगा माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि बी, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म को लिख सकता हूं मैं माइनस बी, ठीक है, अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहां पर ए, तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इसका जीरो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है 3x + 6 = 0, एक लीनियर पॉलीनोमियल दिया गया है। तो सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करते हैं, जीरो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो जीरो फाइंड करते हैं, जीरो के लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वही होगा जीरो इस पॉलीनोमियल का। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -6, और उसके बाद 3 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, तो -6 3 जाके उधर डिवाइड में, तो -6/3, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = -, ठीक है, -2, यहां पर माइनस है तो ये माइनस एज इट इज रहेगा और 3 × 2 = हो जाएगा 6। तो जीरो क्या आया, -2। ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहां पर 6, तो ये इसको हम लिखेंगे माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन जो है वो पहले से ही लगा हुआ है। तो माइनस में 6/ कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहां पर, एक्स का कोफिशियंट है 3, तो -6/3, इसे हम कैंसल आउट करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ठीक है, माइनस जो साइन है माइनस 6 के साथ है तो -2, तो यहां पर भी -2 है और यहां पर भी -2 है। तो यही रिलेशन होता है लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशियंट में, ठीक है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशियंट में क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसका जनरल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, ax² + bx + c = 0, जहां पर ए बी और सी ये कोफिशियंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है और सी को हम कॉन्स्टेंट टर्म कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसका इसके दो जीरोज आएंगे क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी तो 1 जीरो आएगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज आएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री होती है 2, तो इसके 2 जीरोज आएंगे और वो 2 जीरोज जो होंगे अगर हम उनका सम करेंगे या फिर कह सकते हैं उन्हें जोड़ेंगे, तो सम ऑफ जीरोज, उन दोनों जीरोज को जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशियंट है बी, तो हम इसे लिखेंगे माइनस में बी अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम उन जीरोज का प्रोडक्ट यानी कि उन जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर क्या है, सी, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है ए, तो हम कह सकते हैं सी बाई ए, प्रोडक्ट जो होगा जीरोज का वो होगा सी बाई ए, ठीक है। ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के लिए। अब जो ये जीरोज आए हैं इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं इनको वेरीफाई करने के लिए। तो एग्जांपल है यहां पर x² + 3x + 2 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो इसके जीरोज को फाइंड करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके फैक्टराइजेशन अगर आपको आते हैं, आप क्लास 9th में ये सब चीजें कर चुके होंगे, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे x² + x + 2x + 2, ठीक है। तो पहले जो है x² + x, इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन यहां से क्या आ रहा है x, तो ये आ जाएगा x + 1, और उसके बाद क्या है 2x + 2, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो ब्रैकेट में आएगा x + 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए x + 1 और x + 2, तो फैक्टर्स हो गए x + 1 और x + 2, और इन्हीं फैक्टर्स से हम जीरोज निकालेंगे, ठीक है। जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x + 1 = 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस +1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1, और इसी तरह से x + 2 = 0, तो एक्स
के अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि प्लस टू को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू। तो दो जीरोस जो आए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो है माइनस वन और माइनस टू। अब इसे वेरीफाई करते हैं, जो भी ये रिलेशन दे रखा है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो सम माइनस वन प्लस में माइनस टू, तो सम करेंगे इनका माइनस वन प्लस में माइनस टू। अगर इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर थ्री, तो यहाँ पर माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स है तो माइनस थ्री लिखेंगे इसे, ठीक है, माइनस थ्री अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वन होगा, ठीक है, तो वन, और डिनोमिनेटर में वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस वन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का ही, तो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री। ये सम ऑफ जीरोज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो रिलेशन है, ये तो हो गया यहाँ पर वेरीफाई, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई, तो माइनस वन मल्टीप्लाई में माइनस टू, तो माइनस वन मल्टीप्लाई में माइनस टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि सी अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए, मतलब सी बाई ए, तो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर टू, तो इसके किसके इक्वल होगा, टू अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी कि ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वन, और डिनोमिनेटर में वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो माइनस माइनस प्लस और टू वन जा टू, तो यह आएगा प्लस का टू इक्वल्स टू, टू अपॉन में वन यानी कि टू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है वही इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें फाइंड करना है इन सब के जीरोज, जो ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं 1 से लेके 6 तक, इनके जीरोज फाइंड करने हैं, और जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है उसे भी वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम दो वीडियोज में, ठीक है। तो पहली वीडियो में करेंगे हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और सेकेंड वीडियो में करेंगे हम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो अभी करते हैं हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को इसी वीडियो में। तो इसमें फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस में एट, तो इसके सबसे पहले फैक्टर्स करके इसके जीरोज निकालते हैं। तो फैक्टर करना आप क्लास नाइन्थ में सीख चुके होंगे, फिर भी बता देता हूं मैं आपको, माइनस टू एक्स को हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इसे बांटना है कुछ इस तरह से कि प्लस या माइनस करने पर तो माइनस टू एक्स आए, और मल्टीप्लाई करने पर, जिस भी दो भागों में बांटेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर एट एक्स स्क्वायर आए, ठीक है। तो हमने माइनस टू एक्स को बांट दिया है 2x माइनस 4 में, अगर 2x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा, और 2x और माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहली दो टर्म्स जो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है इनमें, x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2, और इसी तरह से माइनस 4x और माइनस 8 इनमें से भी कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन क्या आ रहा है माइनस फोर, तो माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस में टू। तो इसके दो फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे, एक्स माइनस में फोर और एक्स प्लस में टू, तो एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस में टू, और इन्हीं से हम जीरोज फाइंड करेंगे, एक्स माइनस में फोर जो भी आया उसके इक्वल टू में रखेंगे जीरो, और यहां भी रखेंगे जीरो, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पर x की वैल्यू माइनस फोर को दूसरी तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा 4x की वैल्यू आ गई 4, इसी तरह से x की वैल्यू इसमें आएगी माइनस टू, प्लस टू को दूसरी तरफ भेजा तो माइनस टू, तो ये दो जीरोज आ गए हमारे, ठीक है, यही होंगे जो x की वैल्यू आएगी, यही होंगे हमारे दो जीरोज, तो दो जीरोज तो आ गए हमारे, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशियंट की, तो कोफिशियंट और जीरोज की रिलेशन क्या होती है, सम ऑफ जीरोज, जब हम जीरोज का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज दोनों का सम करते हैं यानी कि फोर प्लस में माइनस टू, ठीक है, इन दोनों का सम, फोर और माइनस टू का सम यानी कि प्लस, ये किसके इक्वल होगा, माइनस, माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर
एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, ये दोनों इक्वल होने चाहिए सॉल्व करने पर। तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू में, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 ये होता है 2, और इस तरफ भी आ रहा है 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो 1 है ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये सम का जो है, सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है कोफिशियंट के साथ, वो तो हो गया वेरीफाई। हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस 8, तो माइनस 8 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 1, तो अपॉन में 1। तो यहां पर 4 है प्लस का, 2 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 टू जा 8, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हो गया यहां पर रिलेशन वेरीफाई, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, तो इसके भी फैक्टर्स करके 0 निकालेंगे, तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, 4s स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और माइनस 4x माइनस 4s, इसको हम दो भागों में स्प्लिट करेंगे, माइनस 2s और माइनस 2s में, ठीक है, और प्लस में 1 एज इट इज। अब जो हमारी फर्स्ट दो टर्म्स हैं इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2s, 2s कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2s और माइनस में 1। इसी तरह से सेकंड जो है, मतलब माइनस 2s और प्लस 1, इसमें से भी लेंगे हम कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन लेने पर बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स क्या हुए, 2s माइनस 1, और सेकंड भी क्या होगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और यहां से s की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 रख के दोनों तरफ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हो जाएंगे इसके जीरोस। तो s की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2s equals to 1, और अब 2 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, 2 को दूसरी, 2s के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो s equals to 1 by 2, और जो सेकंड है वो उसका भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, s equals to 1 by 2। तो इसके दो जीरोस जो आए हैं वो हैं 1 by 2 और 1 by 2। अब करते हैं इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई जीरोज और कोफिशियंट के बीच में। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एस और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि 1 बाई 2 प्लस में 1 बाई 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस, ठीक है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एस, एस का कोफिशियंट क्या है, माइनस 4, माइनस 4 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोफिशियंट है 4, तो 4, ठीक है। तो 1 by 2 प्लस में 1 by 2, 1 by 2 क्या होता है, हाफ, हाफ प्लस में हाफ, हाफ प्लस में हाफ होता है 1 इक्वल्स टू, यहां पर है ये माइनस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 1 जा 4, तो ये भी आएगा 1। तो ये सम ऑफ जीरोज तो हो गया वेरीफाई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 1 by 2 मल्टीप्लाई में 1 by 2, दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट टर्म है 1, तो 1 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 4, तो ये हो गया 4। तो बिल्कुल ये साफ साफ दिखाई दे रहा है इक्वल है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल्स में 1 by 4, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब है थर्ड जो है 6x square minus 3 minus 7x, तो इसे पहले प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करेंगे, तो प्रॉपर अरेंजमेंट किस तरह से होगी इसकी, 6x square minus में 7x minus में 3, ठीक है, मतलब हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू पावर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लोअर, उसके बाद लीस्ट सबसे कम, ठीक है। अब करेंगे इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स सिंपल जो क्लास 9th में या पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने किए थे कुछ उसी तरह से, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स होंगे 6x स्क्वायर और माइनस 7x जो है उसको लिखेंगे हम प्लस 2x और माइनस में 9x,
और माइनस 3। ये हमने 2x और 9x इसलिए लिखा है क्योंकि 2x में से 9x को माइनस करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, और 2x और 9x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस 3, तो 18x स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 18x स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। अब पहली दो टर्म्स में से ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है 2x, 2x कॉमन लेने पे क्या बचेगा 3x प्लस में 1। इसी तरह से माइनस 9x माइनस 3 इनमें से भी कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन आ रहा है 3, तो प्लस में सॉरी माइनस का 3 ले लेते हैं, माइनस 3, तो ये 3 3 जा 9, 3x प्लस में 1। ये दो फैक्टर्स आए हैं इसके 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो इनके यहां से जीरोस मतलब x की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यूज यहां x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को दूसरी तरफ माइनस 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। इसी तरह से इसकी भी x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है यहां पर तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, यानी कि दो जो दो जीरोज आए हैं वो होंगे 3/2 और -1/3। अब इन्हें वेरीफाई भी कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज मतलब इन दो जीरोज का सम किसके इक्वल होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो 3/2 प्लस में -1/3, तो 3/2 प्लस में -1/3, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स का कोफिशियंट क्या है -7, तो सबसे पहले माइनस उसके बाद -7 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ हमें एलसीएम लेके इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 2 6 एलसीएम आएगा इनका 6, और ऊपर क्या आएगा 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो 3 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 3 3 9, और यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और दूसरी तरफ क्या है --7, तो -- होता है प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 में से 2 को माइनस किया 7/6, तो ये हो गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर वेरीफाई। अब देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये भी वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहां पर -3, तो -3 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है यहां पर 6, तो 6। इसे सोल्व करते हैं, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और 2 3 6, तो यहां पर है -3/6 और दूसरी तरफ भी -3/6, या फिर मतलब वैसे वेरीफाई तो हो गया ही है इक्वल है, या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 3 1 3 और 3 2 6, तो आंसर आएगा हमारा -1/2, इस तरफ भी कैंसिल करेंगे 3 1 3 और 3 2 6, तो -1/2, ठीक है, तब भी हमारा इक्वल ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया है वेरीफाई। अब नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है 4th 5th और 6th, वो देखेंगे हम आगे वाली वीडियो। क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को किया था, इसमें हम करेंगे सेकंड वीडियो में हम करेंगे 4th 5th और 6th पार्ट को, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट। हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं जो भी पॉलीनोमियल गिवन है, और उसके बाद जीरोज और कोफिशियंट के बीच में क्या रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। तो फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u, इसका हमें सबसे पहले जीरो फाइंड करेंगे, जीरो फाइंड फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और इसमें क्या है एक कॉन्स्टेंट टर्म u स्क्वायर दे रखा है, u दे रखा है, और कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कॉन्स्टेंट टर्म अगर मिसिंग है तो वो क्या होगा जीरो, इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स करेंगे, तो फैक्टर्स करना बिल्कुल इजी है ये, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 4u, ठीक है, 4u हमने कॉमन लिया तो बचा क्या u प्लस में 2,
ठीक है, और यू प्लस में टू, मतलब एक एक फैक्टर तो हो गया 4u और एक हो गया u प्लस टू। अब इनमें से जीरो निकाल लेंगे, ठीक है, तो 4u 4u इक्वल्स टू जीरो, और इसी तरह से u प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से दोनों जगह से u की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी 4u, u के साथ 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू जीरो अपॉन में 4, यानी कि जीरो, जो हमारी पॉलिनोमियल की पहली जीरो आई है वो है शून्य, मतलब जीरो ही आई है, ठीक है, और u प्लस टू, इसमें से हम जीरो निकालेंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस टू, टू को दूसरी तरफ भेजा प्लस में है इस तरफ, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया, तो यहाँ पर दो जीरोज आए हैं, एक तो है जीरो और है माइनस टू। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं जो भी जीरोज और कोफिशियंट के बीच में होती है, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस में कोफिशियंट ऑफ यू और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज मतलब जीरो प्लस में माइनस टू, तो जीरो प्लस में माइनस टू, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस में कोफिशियंट ऑफ यू, यू का कोफिशियंट क्या है 8, उसके साथ माइनस साइन होना चाहिए, तो माइनस में 8 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 4, ठीक है, तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से हम माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस 2 ही रहेगा, और 4 टू जा 8, ठीक है, और ये माइनस साइन जो है ये इसके साथ ही रहेगा, तो ऊपर भी क्या आ गया माइनस 2, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज वेरीफाई। इसी तरह देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को किस तरह से वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जीरो मल्टीप्लाई में माइनस टू, तो जीरो मल्टीप्लाई में माइनस टू इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है तो वो क्या होगी जीरो, तो हम लिखेंगे जीरो अपॉन में यू स्क्वायर का कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर है 4, तो जीरो अपॉन में 4, तो अगर हम जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो होगा जीरो, अगर जीरो से हम जीरो को हम किसी से डिवाइड करें तो वो भी होगा जीरो, तो यहाँ पर आ जाता है बिल्कुल इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट जो कि है टी स्क्वायर माइनस में 15, इसमें से टी टी वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, तो ये किस तरह से पॉलिनोमियल होगा, टी स्क्वायर प्लस में जीरो मल्टीप्लाई में टी, मतलब ये वाली टर्म जो हमें मिसिंग दे रखी है, तो हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यानी कि जो टी टर्म वाली टी वाली टर्म है वो है जीरो माइनस में 15, तो ये पॉलिनोमियल है। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो 15 है माइनस में 15 है इसका स्क्वायर भी कर देंगे और रूट भी लगा देंगे, इससे 15 की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 15 एज इट इज रहेगा। इससे अब फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये किस फॉर्म में आ गया, टी स्क्वायर माइनस में 15 रूट 15 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हम इसके आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, तो टी स्क्वायर इसके इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, टी टी माइनस में रूट 15 और टी प्लस में रूट 15, ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, हमने क्या किया डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस पे, तो दो फैक्टर्स यहां से इसके जीरोस भी निकाल लेंगे, तो टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो और टी प्लस में रूट 15 इक्वल्स टू जीरो, तो 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे, रूट 15 को माइनस रूट 15 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा टी इक्वल्स टू रूट 15, और इस तरफ भी यही करेंगे हम, t इक्वल्स टू प्लस रूट 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में रूट 15, ठीक है, ये दो जीरोज आ गए रूट 15 और माइनस में रूट 15, दो जीरोज आ गए। अब वेरीफाई करते हैं जीरोज और कोफिशियंट के रिलेशन को, तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम किसके इक्वल होगा, कोफिशियंट ऑफ t माइनस में कोफिशियंट ऑफ t और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ t स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15, तो ये 15 रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15, इनका सम किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशियंट ऑफ टी, टी का कोफिशियंट क्या है जीरो, ठीक है, अगर हमें नहीं दे रखा तो जीरो अपॉन में टी स्क्वायर का कोफिशियंट, टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 1, और ये क्या हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 में से रूट 15 गया यानी कि जीरो, और उस तरफ भी क्या है जीरो अपॉन में 1 क्या होगा जीरो, तो सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हो गया यहां पर वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15,
ठीक है, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस में 15, तो माइनस में 15 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, तो माइनस में 50 सॉरी रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 15, दोनों रूट के अंदर है, इक्वल्स टू माइनस में 15, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 15 और 15 अंदर पेयर बन गया, तो इनमें से एक बार आएगा, और ये हो जाएगा रूट 15 सॉरी रूट हट जाएगा, एक बार आएगा इसमें से, ठीक है, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 15 इक्वल्स टू माइनस 15, यहाँ पर भी ये इक्वल आ रहा है, तो रिलेशन हो गया वेरीफाई। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, लास्ट, ठीक है, इसमें है 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, 3x² प्लस में 3x माइनस 4x माइनस 4, तो फर्स्ट टू टर्म में से हम लेंगे कॉमन, फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x² प्लस 3x, इसमें से कॉमन आ रहा है 3x, और अंदर बचेगा x प्लस में 1, इसी तरह से माइनस 4x और माइनस 4 इन दोनों टर्म्स में से लेंगे कॉमन, तो माइनस 4 यहाँ पर आ रहा है कॉमन, और अंदर बचेगा x प्लस में 1, तो इसके दो फैक्टर्स क्या हो गए, 3x माइनस में 4, 3x माइनस में 4, एक ये फैक्टर हो गया और एक हो गया x प्लस में 1, यहाँ से हम जीरोज निकाल लेते हैं, मतलब x की वैल्यू जो होगी वही होगा जीरोज, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो माइनस 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 4, और x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी 4 अपॉन में 3, और यहाँ से भी x प्लस 1, तो प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1, तो दो जीरोज आई हैं हमारी 4 बाई 3 और माइनस 1, ये दो जीरोज आ गई। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशन जीरोज और कोफिशियंट का, तो सम ऑफ जीरोज का सम यानी कि 4 बाई 3 और प्लस में माइनस 1, तो 4 बाई 3 प्लस करेंगे इसमें माइनस 1, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट माइनस में, तो यहाँ पर है माइनस 1, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस 1, और ये वाला माइनस भी हम लगाएंगे जो इस कोफिशियंट के आगे लिखा है, तो माइनस में माइनस 1 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 3, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेके इसे जोड़ेंगे हम, 3 1 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस माइनस माइनस, और 3 1 3 एलसीएम लेंगे तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 अपॉन में 3, और उस तरफ क्या आएगा दूसरी तरफ, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 अपॉन में 3, तो 1 अपॉन में 3, तो इन दोनों को 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3, ये हो गया सम ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप वेरीफाई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 4 बाई 3 मल्टीप्लाई में माइनस 1 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि माइनस 4 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी कि 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 4 प्लस का है 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 1 4 अपॉन में 3, तो ये इक्वल है बिल्कुल माइनस 4 अपॉन में 3, तो ये हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो है 6 पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है सभी प्रॉब्लम्स में, और हमें क्या गिवन है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि पहले हमें जो दे रखा है ये है सम ऑफ जीरोज, और कोमे के बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, तो रिलेशन क्या होती है उससे हम फाइंड करेंगे, मतलब दो तरीके हैं इस मेथड, इस पॉलीनोमियल को फाइंड करने के दो मेथड हैं, तो दोनों मेथड्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं जहां पर सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, जहां पर ए बी सी कोफिशियंट है और एक्स वेरिएबल है, तो हमें यहां पर ए बी और सी को ही फाइंड करना है और इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है हमें 1/4, और सम ऑफ जीरोज होता क्या है, सम ऑफ जीरोज होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है यहां पर माइनस बी लिखेंगे, ठीक है,
माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर बी है तो इसे माइनस भी लिखेंगे, अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा ए। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन आई इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी माइनस में बी किसके इक्वल होगा, वन के, ठीक है, जो वैल्यू माइनस बी के सामने वन है तो माइनस बी वन के इक्वल होगा और ए फोर के इक्वल होगा, ठीक है, ए इक्वल्स टू फोर। लेकिन हमें बी की वैल्यू चाहिए ना कि माइनस बी की, तो माइनस का साइन दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, ए आ गया हमारा फोर, बी आ गया माइनस वन। अब निकालना हमें ए बी की आ गई, सी रह गया, सी का निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि सी, सी अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है यहाँ पर ए, तो सी अपॉन में ए, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन में कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में वन हम अपने आप से लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखना है आपको कि ए यहाँ तो हमारा फोर आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे फोर में ही चेंज करेंगे, तो किस तरह से चेंज करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से, और जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये फ्रैक्शन है जो माइनस वन अपॉन में वन, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो वैल्यू सेम रखने के लिए ऊपर और नीचे दोनों जगह फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सोल्व करेंगे। माइनस वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर अपॉन में फोर, तो ए की वैल्यू तो आ गई फोर, फोर ही है हम लिख चुके हैं, सी की वैल्यू क्या आई माइनस फोर, तो सी इक्वल्स टू माइनस फोर। इन सभी वैल्यूज को ए बी और सी, इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस जनरल फॉर्मेशन वाले पॉलिनोमियल में, तो ए क्या है, ए है फोर, तो हम इसे लिखेंगे फोर एक्स स्क्वेयर, और बी, बी क्या है माइनस वन, तो यहां पर प्लस माइनस माइनस वन एक्स प्लस में सी, सी क्या है माइनस फोर, तो प्लस माइनस माइनस फोर। अब इसको दूसरी तरह दोबारा लिख देते हैं अच्छी तरह से, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर और माइनस में वन एक्स, वन को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस में फोर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड जो है वो फॉर्मूला मेथड है, तो फॉर्मूला क्या है इसको लिखने का, फॉर्मूला है ए सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस में सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला है, इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस में सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम क्या है वन बाय फोर, वन बाय फोर और मल्टीप्लाई में एक्स, सम ऑफ जीरोज एक्स, तो ये आ गया एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट क्या है माइनस वन, तो यहां पर लगाएंगे हम माइनस वन। अब यहां से हमें करना क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है, एलसीएम लेंगे सभी के डिनोमिनेटर में वन लगा लेंगे जिसमें नहीं है, और एलसीएम लेंगे यहां पर वन फोर और वन का, तो इनका एलसीएम आएगा फोर, और फोर को हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस में वन एक्स माइनस में फोर, और इसके इक्वल में कर देंगे हम जीरो, क्योंकि हमें नीचे जो डिनोमिनेटर में फोर है इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसे दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये फोर दूसरी तरफ जाके यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ से हमने नीचे से शिफ्ट कर दिया इसे, तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, और ये हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई में फोर जीरो, तो हमारी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आएगा फोर एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स, वन एक्स को मैं एक्स ही लिख सकता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूँ एक्स, जस्ट ए मिनट रब कर देता हूँ मैं, यहां पर वन मल्टीप्लाई में एक्स को मैं लिख दूंगा एक्स माइनस में फोर, तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो फोर एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स माइनस फोर, और यहां पर भी फोर एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स माइनस फोर, तो सेम है, आपको जोन सा भी मेथड अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड को, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज दिया गया है रूट टू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन बाय थ्री, ठीक है, तो सेकंड की भी जनरल फॉर्मेशन यही होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक, सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो सभी की जनरल फॉर्मेशन इसी तरह से होगी, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा,
सम ऑफ जीरोज होगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है बी, तो माइनस में बी अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशियंट एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट होगा ए, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि सी अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी कि सी अपॉन में ए। तो और ये हमें दिए क्या गए हैं, सम ऑफ जीरोज हमें क्या दे रखा है रूट टू, तो सम ऑफ जीरोज है रूट टू, और इसके डिनोमिनेटर में हम वन लगा सकते हैं, ठीक है, किसी के भी डिनोमिनेटर में वन ऑटोमेटिकली होता है। और इसी तरह से सी बाई ए को भी लिख लेंगे हम यहां पर, सी बाई ए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री आ गया। अब आप यहां पर ध्यान से देखना है कि यहां पर ए क्या आ रहा है, वन आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है थ्री, तो हम क्या करना है ए की वैल्यू हम रखेंगे थ्री, तो इसको भी थ्री बनाना पड़ेगा हमें ए वन को, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से, ठीक है, तो ऊपर भी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो। तो बी की वैल्यू माइनस बी है तो माइनस का साइन भी उस तरफ भेज दो, और बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इक्वल्स टू माइनस में थ्री रूट टू, ठीक है। उसके बाद सी सॉरी ए लिख लेते हैं, ए आएगा हमारा वन मल्टीप्लाई में थ्री, ए इक्वल्स टू थ्री, और सी आ जाएगा सी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो ये ए बी सी की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू है थ्री, तो ए की जगह पर रखूंगा मैं यहां पर थ्री, तो ये होगा थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में सॉरी प्लस नहीं लेंगे, यहां पर माइनस है तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बी की जगह पर रखूंगा मैं थ्री रूट टू एक्स। उसके बाद सी वन है तो कॉन्स्टेंट की जगह रख देंगे हम वन, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं किस तरह से करना है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सिंपल फॉर्मूला है, इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है रूट टू दे रखा है सम ऑफ जीरोज, तो रूट टू मल्टीप्लाई में एक्स, ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये आ गया x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1 बाई थ्री, तो प्लस में 1 बाई थ्री। अब सिंपल यहां पर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर में 1 है और इधर है 3, तो इनका एलसीएम 1 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में। अब जो ये 3 है, ठीक है, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस में थ्री रूट टू एक्स प्लस में वन। अब इसके इक्वल में जीरो रख के हम जो एलसीएम आया है थ्री से एलिमिनेट कर देंगे, तो ये जीरो रखा, थ्री उस तरफ जाएगा, जीरो में मल्टीप्लाई होगा और थ्री मतलब एलिमिनेट हो गया, तो पॉलिनोमियल क्या बचेगा हमारा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस में थ्री रूट टू एक्स प्लस में वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। आप यहां देख सकते हैं हमारा आंसर सेम आएगा, तो जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसी मेथड से आप सॉल्व करें, ठीक है।